तो मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैं आपको करा रहा हूँ। आइए आज नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं, थ्योरम नंबर 9, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 9, 8 थ्योरम मैंने इसकी आपको करा दी है और अब बस 3 थ्योरम इसकी करा के, है ना, ये थ्योरम्स कंप्लीट हो जाएंगी, 9, 10 और 11। देखो 9 थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है प्रूव, आपको प्रूव करना है बाय वेक्टर मेथड। किसके द्वारा? वेक्टर मेथड के द्वारा प्रूफ करना है, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है देखो, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, यानी राइट बाइसेक्टर्स, जो बाइसेक्टर्स होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, बाइसेक्टर्स, यानी किसी रेखा को जो द्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित जो करते हैं ना, उन्हें कहते हैं बाइसेक्टर्स, यानी समद्विभाजक कहेंगे शायद हिंदी में। तो प्रूव बाय वेक्टर मेथड, है ना, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर्स, और राइट बाइसेक्टर्स किसके हैं, ऑफ साइड्स यानी भुजाओं के हैं, और साइड्स किसकी हैं, ट्राइंगल त्रिभुज की हैं, ठीक है। तो प्रूव बाय वेक्टर मेथड राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरंट, जैसा कि कल मैंने एक थ्योरम आपको ऐसी कराई थी, यानी कनकरंट का क्या मीन्स हो जाएगा, समवर्ती, यानी एक जैसे व्यवहार वाले हैं। तो मैंने बताया था आपको 3 बाइसेक्टर्स होंगे, किस तरीके से आओ प्रूफ में समझते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम समझो, उससे आपको स्टेटमेंट भी समझ आएगा और प्रूफ भी। तो एक ट्राइंगल बना लो इस तरीके से, ठीक है जी, ए बी और सी। अब देखो राइट बाइसेक्टर्स क्या है, यानी राइट माने बिल्कुल ठीक, बीचों बीच, बाइसेक्टर्स माने जो बीच से क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट माने समद्विभाजित, बाइसेक्ट करने का क्या अर्थ होता है, समद्विभाजन, यानी किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांट देना, उसे समद्विभाजन कहते हैं, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, बाइसेक्शन कहते हैं। तो बाइसेक्टर यानी जो बाइसेक्ट करे, जो बाई माने दो, जो दो भागों में बांट दे किसी एक रेखा को, और राइट माने बिल्कुल ठीक बीचों बीच से, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रही है जिसका नाम है AD, ये जो लाइन है ये है राइट बाइसेक्टर। तो ऐसे 3 बाइसेक्टर होंगे इसमें, एक यहाँ से होगा ये वाला, ना, लेकिन आपको बनाना है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है जी, एक यहाँ होगा, है ना। तो इस तरीके से 3 बाइसेक्टर्स होंगे, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध ये करना है कि जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ पर ओरिजिन मान सकते हो, मूल बिंदु, आपको सिद्ध ये करना है कि जो तीनों राइट बाइसेक्टर्स हैं, यानी AD और BE और CF, इन तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं किसके, साइड्स के यानी भुजाओं के, AD जो बाइसेक्टर है वो किसका है, BC भुजा का है, BCH का है, जो BE है वो AC का है, और जो CF है वो AB का है, ठीक है। तो इन तीनों बाइसेक्टर्स जो किसके हैं, साइड्स के हैं यानी भुजाओं के, और भुजाएं किसकी हैं, ट्राइंगल की हैं, और कनकरंट यानी ये कैसे हैं, समवर्ती हैं, एक जैसे व्यवहार वाले हैं। तो मैंने बताया था आपको किन्हीं दो के लिए कोई बात होगी जो लेके चलेंगे हम, और तीसरे के लिए वो बात प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे एक थ्योरम मैंने आपको कराई थी एल्टीट्यूड्स वाली, है ना, जिसमें मैंने कहा था एल्टीट्यूड्स जो होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वो थ्योरम इससे पहले ही होगी, देख लेना आप, क्लियर है यहाँ तक आपको। चलो इससे पहले वाली थ्योरम 8 के जैसा ही है ये भी लगभग, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, जो जो दे रखा है। देखो ये जो पॉइंट ए है, इसका जो पोजिशन वैक्टर है वो आप मान लो वैक्टर ए, पॉइंट जो बी है उसका पोजिशन वैक्टर मान लो वैक्टर बी, पॉइंट सी का वैक्टर सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैक्टर ओ ए कितना है, वैक्टर ए, वैक्टर ओ बी कितना है, वैक्टर बी, और वैक्टर ओ सी कितना है, वैक्टर सी, ठीक है। देखो दो भुजाओं के लिए यानी दो बाइसेक्टर्स के लिए, एक तो इसके लिए मीडियन है ये भी, भुजा मीडियन यानी माध्य का, लेकिन यहाँ बाइसेक्टर कह रहे हैं, बाइसेक्टर यानी जो बीच से बांट रही है, तो AD तो बांट रही है, AD बांट रही है, BC को दो भागों में बराबर, या OD बांट रही है, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो
यहाँ तक समझ में आया? ओ ए, ओ बी, वैक्टर ओ ए, वैक्टर ओ बी, वैक्टर ओ सी कितने हैं? वैक्टर ए, वैक्टर बी और वैक्टर सी। पोजिशन वैक्टर्स मान लिए, पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर है वैक्टर ए, पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर वैक्टर बी, पॉइंट सी का पोजिशन वैक्टर वैक्टर सी। ठीक है, चलो अब देखो, देखो ध्यान देना, हम यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी, दो भुजाओं, मैंने कहा दो के लिए मान के चलेंगे, तीसरे के लिए निकाल देंगे। तो देखो, इसके लिए मान के चलेंगे ए डी के लिए और बी ई के लिए, तो जो बात दोनों के लिए हो जाएगी वही तीसरे के लिए आप खुद कर देंगे सी एफ के लिए। ठीक है, और बाई सेक्टर जो है ये तो मीडियन है ना पूरी, तो ए डी नहीं कहेंगे, बाई सेक्टर यहाँ से ले लो, तो यानी ओ डी के लिए लेके चल रहे हैं जो बी सी पर बाई सेक्टर है, और इसके लिए लेकर चलेंगे ओ, देखो इसके लिए जो ओ ई है जो सी ए पर बाई सेक्टर है, दो के लिए लेके चलेंगे, और तीसरे के लिए खुद वही बात आ जाएगी जो उन दोनों के लिए होगी, और तीसरा यानी ओ एफ के लिए वही बात आ जाएगी। ठीक है, और ओ एफ किस पर बाई सेक्टर है? ए बी पर है ना, या बी ए पर, क्लियर है? तो देखो, यानी आपको बी सी की जरूरत पड़ेगी, तो आप वैक्टर बी सी निकाल लो, मैंने बताया था वैक्टर ओ सी माइनस वैक्टर ओ बी, कई बार बता रखा है, ऐसे निकालते हैं वैक्टर बी सी बराबर वैक्टर ओ सी, यानी वैक्टर सी और माइनस वैक्टर बी, वैक्टर बी सी निकाल दिया। इसी प्रकार आप निकालो क्या बी सी की जरूरत पड़ेगी, मैंने बताया, और साथ में सी ए की जरूरत पड़ेगी, वैक्टर सी ए, वैक्टर सी ए हो जाएगा आपका वैक्टर ओ सी, जो पहले है वो बाद में। ठीक है, देखो ध्यान देना, मैंने बताया था जो बाद में है वो पहले आता है, और जो पहले है वो बाद में आता है। इसी प्रकार यहाँ पर ए बाद में आ रहा है, वैक्टर ओ ए माइनस वैक्टर ओ सी हो जाएगा, वैक्टर ओ ए माइनस वैक्टर ओ सी, तो आप देखेंगे वैक्टर सी ए कितना आएगा, वैक्टर ओ ए है आपका वैक्टर ए और वैक्टर ओ सी है आपका वैक्टर सी, तो ये आपके दोनों भुजाएं निकल गई, वैक्टर बी सी भी और वैक्टर सी ए भी। ठीक है, देखो वैक्टर बी सी से रिलेटेड है ओ डी, तो आपको ओ डी भी निकालना पड़ेगा, वैक्टर ओ डी। ठीक है, वैक्टर ओ डी जो है आप कैसे निकालेंगे, देखो B और C के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर ही तो है भाई, B और C के जो मध्य बिंदु है मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है, तो मध्य बिंदु के पोजीशन वेक्टर देखो क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर प्लस इसका पोजीशन वेक्टर अपॉन टू है ना, बीच से यानी आधा हो जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर B का क्या है, वेक्टर OB यानी वेक्टर B, और वेक्टर C का पोजीशन वेक्टर वेक्टर C है ना, वेक्टर OC बराबर वेक्टर C, और D का निकाल रहे हैं तो इसका इन दोनों के जोड़ का योग का आधा हो जाएगा, वेक्टर OD निकल गया। इसी प्रकार आप निकालो CA के लिए, CA पर कौन सा है, वेक्टर OE, OE तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के है ना पोजीशन वेक्टर का आधा, वेक्टर A प्लस वेक्टर C या वेक्टर C प्लस वेक्टर A, कैसे कर लो अपॉन टू। ठीक है, ये जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो सब चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, आओ इसे करते हैं। पहले इसके लिए बात करते हैं, देखो जो बी सी है, जो वेक्टर बी सी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ओ डी के है ना, वेक्टर ओ डी के परपेंडिकुलर है ना दोनों, देख लो चाहे तो, दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो दोनों की डॉट प्रोडक्ट है वो कैसी होगी, जो दोनों की डॉट प्रोडक्ट है वो कैसी होगी, आपको बता रखा है जीरो होगी। ठीक है, पता है ना ये बात, जो भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो रहती है। वेक्टर बी सी की वैल्यू रखो ये रही है ना, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर ओ डी की वैल्यू रखो ये रही, ठीक है, वन बाय टू करके लिख लो, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और बराबर में क्या है जीरो, वन बाय टू बाहर ले लो, ये हो जाएगा वैक्टर सी माइनस वैक्टर बी डॉट, इसे पलट के लिख लो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी और बराबर जीरो। ठीक है, आपको पता है क्या हो जाएगा, वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी माइनस बी वाला, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलो देखो, तो वन बाई टू तो जीरो के अपॉन पहुँच जाएगा, वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है जी, चलो अब देखो यहाँ से, हाँ ऐसे मत करो, एक काम करते हैं बस यहीं छोड़ देते हैं, वेक्टर सी स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, और ये बराबर में किसके हैं,
बराबर जीरो के हैं, ठीक है। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ठीक जैसा आपने इसके लिए किया, किसके लिए, बी सी और ओ डी के लिए, ठीक वैसा ही सी ए और ओ ई के लिए करो। तो ठीक है, एंड तो आप देख रहे हो जो सी ए है, वेक्टर सी ए और वेक्टर ओ ई जो है वो भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से इनकी डॉट प्रोडक्ट भी किसके बराबर आएगी, जीरो के। तो देखो वेक्टर सी ए कितना है, वेक्टर सी ए ये रहा है ना, ये रहा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, और डॉट वेक्टर ओ ई कितना है, वन बाय टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और बराबर किसका, जीरो के, ठीक है। इधर देखो वन बाय टू बाहर ले लो, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, और डॉट इसे पलट के लिख लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और बराबर किसके, जीरो के, ठीक है। हाँ पलट के क्या लिखना है, तो ऐसे ही लिखा ही है, तो क्या आ जाएगा, वन बाय टू, और ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर जीरो। वन बाई टू को दूसरी तरफ पहुंचा दो, तो वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर सी स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। ये है समीकरण नंबर दो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों समीकरणों को आप ऐड करेंगे, तो एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड, तो देखो क्या आएगा, वैक्टर सी स्क्वायर माइनस वैक्टर बी स्क्वायर, ठीक है, यहां से, और प्लस वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर सी स्क्वायर, और बराबर जीरो प्लस जीरो, जीरो ही रहेगा, है ना। आप देखो कुछ कट रहा है, ये वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर जीरो। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए माइनस बी, जैसे देखो यहाँ पे हो रहा था, है ना, चलो है ना, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए माइनस बी लिख सकते हो ना, प्लस लिख लो पहले या बी माइनस लिख लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर जीरो। वेक्टर ए प्लस बी है ना, क्या है निकालना पड़ेगा, देखो जैसे आपने देखा था, जैसे आपने देखा बी प्लस सी बाई टू, अब देखो एक काम और कर लो, वन बाई टू लिख सकते हो, आपने देख रहे हो प्लस वाले के साथ वन बाई टू आ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वन बाई टू और लिख लो डॉट, और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर जीरो। आप खुद अब देख के बताओ, देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करा, उसका आधा करा तो ओडी आया, ठीक है, इन दोनों के लिए तो ओडी आया ओडी, और इन सी का और ए का आधा करा तो ओ ई आया, इसी प्रकार ए और बी का आधा कर रहे हो तो ओ एफ आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, ओ एफ। तो यानी ये जो है ना, ये आपका वेक्टर ओ एफ है, समझ गए। और ए माइनस बी, जैसे आपने ये निकाला था ना, ये वाला बी सी सी ए, इसी प्रकार आप यदि निकालेंगे ए बी, ठीक है, जैसे आप ए बी निकाल के देख लो, वेक्टर ए बी कैसा आएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक है जी, हाँ वेक्टर ए बी नहीं, बी ए निकालो, क्योंकि ए पहला आ रहा है, तो वेक्टर बी ए निकालोगे आप तो क्या आएगा, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, और वेक्टर ओ ए ए है, वेक्टर बी वेक्टर ओ बी बी है, तो ए माइनस बी किसके बराबर आया, वेक्टर बी ए के। तो यहाँ क्या रख सकते हैं आप, यहाँ आप रख सकते हैं वेक्टर बी ए, और ये किसके बराबर आया, जीरो के, ठीक है। तो ये चीज़ आप साइड में लिख दो, यदि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, जिससे कि क्या, कि वन बाई टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी जो है ये किसके बराबर हैं, वैक्टर ओ एफ के। और कैसे हैं भाई, जैसे ये दोनों हैं निकाले ऐसे ये भी, और ये क्या है, वेक्टर बी ए है आपका, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है जी। तो देखो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि वेक्टर ओ एफ जो है और वेक्टर बी ए हैं, ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, दोनों एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो देखो जो बात आप पहले दो के लिए मान के चले थे, वही बात आपकी तीसरे वाले के लिए आई है। आप पहले दो के लिए मान के चले थे, है ना, इसके लिए OD जो कैसा है, BC पर परपेंडिकुलर है, ये बात आप मान के चले थे। फिर आप मान के चले कि जो OE है CA पर परपेंडिकुलर है, CA और OE परपेंडिकुलर है, दो के लिए मान के चले,
और यही बात तीसरे के लिए आई कि जो ओ एफ है वो बी ए पर कैसा है परपेंडिकुलर, जो ओ एफ है वो बी ए पर कैसा है परपेंडिकुलर। तो जो बाकी जो बात हम मान के चले पहले दो के लिए, वही बात तीसरे के लिए आई, यानी तीनों ही कैसे हैं, समान व्यवहार वाले हैं। ठीक है, मैंने बताया था समवर्ती कहेंगे, कंकरेंट कहेंगे, यानी तीनों के गुण एक जैसे हैं। जो बाकी दो के लिए है वही तीसरे के लिए है। तो ये थ्योरम प्रूफ हुई। ठीक है, तो जो बाई सेक्टर्स हैं ये OD, OE, OF तीनों कैसे हैं, कंकरंट हैं। ठीक है, समवर्ती हैं, हैंस प्रूफ लिख देना। ये कंप्लीट हुई थ्योरम, चलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम पर, नोट करो यहाँ तक। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, थ्योरम नंबर 10। देखो दसवीं थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम नंबर 10 कहती है प्रूव बाय वेक्टर मेथड। आपको वेक्टर मेथड के द्वारा ही प्रूफ करना है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड। ठीक है जी, वेक्टर मेथड के द्वारा आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मैंने बता रखा है ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है जी, रोम्बस क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हिंदी में, हाँ समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो देख लेना, तो मैंने कहा प्रूव बाय वेक्टर मेथड, आप सदिश विधि के द्वारा आपको सिद्ध करना है कि जो डायगोनल्स हैं ऑफ ए रोम्बस, तो जो रोम्बस के यानी समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, इंटरसेक्ट, ठीक है जी, इंटरसेक्ट करते हैं और टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे, मेन बात ये है, एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे को काटते हैं, एट यानी सम कोण बनाकर काटते हैं, तो टू ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है जी, प्रूव बाय वेक्टर मेथड डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट टू इच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, यानी आपको वेक्टर मेथड के द्वारा बताना है कि किसी सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये है थ्योरम प्रूफ। देखो प्रूफ, तो एक रोम्बस बना लो सम चतुर्भुज, कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है जी, ये क्या है आपका, एक रोम्बस है ना, सम चतुर्भुज है, देखो ओ ए सी ना, ओ ए बी सी है ना, ऐसे हो जाएगा क्रम। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए मान लो, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी मान लो, और आपको पता है इसका वेक्टर भी नहीं बनेंगे, जितना ये उतना ही ये हो जाएगा, जितना ये उतना ही ये हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है सम चतुर्भुज में, और ये विकर्ण है, इसके डायगोनल्स हैं इस तरीके से, ये डायगोनल्स हैं, तो कह रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए काट रहे हैं ना, तो आपको सिद्ध करना है कि इन दो विकर्णों के बीच, तो डायगोनल्स के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो आपको सिद्ध ये करना है कि दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, वो सिद्ध करेंगे। देखो ध्यान दो, जो जो माना है वैक्टर ओ ए कितना माना है, वेक्टर ओ ए है आपका वेक्टर ए, वेक्टर ओ सी कितना है, वेक्टर सी माना है। ठीक है, और वेक्टर ओ सी किसके बराबर है, मैं लिख देता हूँ, वेक्टर ओ ए किसके बराबर है, वेक्टर सी बी के, और वेक्टर ओ सी किसके बराबर है, वेक्टर ए बी के। ठीक है जी, इसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ तो इसके भी ऊपर की तरफ, क्लियर है, इसकी इस तरफ तो इसके भी इस तरफ, यहाँ तक समझ में आया। और देखो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी सी ए की और ओ बी की, क्योंकि ये दोनों क्या है, विकर्ण, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल आपको सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसी होगी, जीरो, क्योंकि मैंने बताया था जो दो जो एज्स हैं, भुजाएं हैं, वो यदि समकोण पर काटती हैं यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। तो आपको वेक्टर ए सी
डॉट वेक्टर ओ बी, या वेक्टर ओ बी डॉट वेक्टर ए सी किसके बराबर लाना है, जीरो के। तो आपको जरूरत पड़ेगी वेक्टर ओ बी की, है ना। तो वेक्टर ओ बी भी आपको निकालना पड़ेगा। वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा, देखो लगा लो वो कौन सा नियम, सदिश त्रिभुज नियम, ठीक है। वेक्टर ट्राइंगल ला, तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल में फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल ला, ठीक है। छोड़ो वेक्टर ट्राइंगल ला है बस, है ना, आप याद रखो, लिखना चाहो लिख देना फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल ला। तो क्या हो जाएगा, मान लो हमें बी पर जाना है, तो ओ से बी पर जाओ एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है ओ से ए पर जाओ वेक्टर ओ ए, और ए से बी पर जाओ वेक्टर ए बी। तो आप पाओगे वेक्टर ओ बी आपका कितना आया, वेक्टर ओ ए वेक्टर ए है, वेक्टर ए बी कितना है, इसके बराबर है वेक्टर सी। तो ये आ गया आपका वेक्टर ओ बी, ठीक है जी। इसी प्रकार आप निकालो इन ट्राइंगल, अब कौन सा लेना है हमें, क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो ये वाला ले लो ओ ए सी। तो देखो हमें मान लो ए सी निकालना है तो सी पर जाना है, तो एक रास्ता तो ये है सी पर जाना है, तो एक रास्ता तो है ओ से सी पर चले जाओ डायरेक्ट, है ना भाई, ओ से सी पर चले जाओ, और दूसरा रास्ता है ओ से पहले ए पर जाओ और फिर ए से सी पर चले जाओ। लेकिन हमें ए सी निकालना है तो इसे ओ ए को इधर ले आओ, तो वेक्टर ए सी कितना आएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक है। वेक्टर ए सी बराबर क्या आएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ए सी कितना आएगा, वेक्टर ओ ए कितना, ओ सी कितना था ये रहा वेक्टर सी, वेक्टर ओ ए कितना है वेक्टर ए, ठीक है, ये आ जाएगा वेक्टर ए सी। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल है 90 डिग्री, समकोण है। तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसी है, सी ए की और ओ बी की, यानी ओ बी और सी ए की दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसी है, जीरो है, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि ओ बी और सी ए कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। लिख देना वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, ये सिद्ध करना है। और इसके लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसी है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, तो बीच में डॉट, वेक्टर सी ए कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। वेक्टर ओ बी की वैल्यू रखो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, डॉट वेक्टर सी ए की वैल्यू रखो, सी ए की वैल्यू, हाँ सी ए है भाई, हमने ए सी निकाल दिया, तो हमें सी ए निकालना पड़ेगा, ओ ए प्लस ए सी निकालना, तो सी ए यहाँ से निकल जाएगा, पलट दो क्या आएगा, सी ए माइनस लग जाएगा बस, माइनस ऑफ वेक्टर ए सी, तो माइनस लगेगा तो पलट जाएंगे, माइनस लग जाएगा बस। तो वेक्टर सी ए आपका कितना आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, समझ गए, क्योंकि हमें तो ओ बी चाहिए और ए सी चाहिए, हाँ ए सी तो चाहिए, सी ए क्यों लिख दिया मैंने, ओ बी और ए सी, हाँ सी ए ही गलत लिखा गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ए सी से ही काम चल जाएगा, सी ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए सी है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ए सी, चलो। तो देखो अब ओ बी की वैल्यू रखो, ओ बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, डॉट वेक्टर ए सी की वैल्यू ये रही, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर जीरो, इसकी जरूरत नहीं है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, वो गलती से लिखा गया था वहाँ पे। देखो तो इसे काम करो, वेक्टर सी को पहले लिख दो, वेक्टर ए को बाद में लिख दो, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर जीरो, आपको बताया वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो लानी है, ठीक है। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो लानी है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके मत चलो, लानी है ना जीरो, तो ये तो आपको सिद्ध करना था, ठीक है, कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसे आनी चाहिए, जीरो। अब आप क्या निकाल रहे हैं, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो आप लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेक्टर ओ बी डॉट वेक्टर ए सी बराबर, इधर बराबर चलेगा, है ना, जीरो में लेके नहीं चलनी, लानी है जीरो, ठीक है, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट जीरो ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे को समकोण पर राइट एंगल पर काटते हैं। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट आप लेके चल रहे हैं और वो कितनी लानी है, जीरो। देखो मैंने बताया था किसी भी वेक्टर का स्क्वायर यानी उसके मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब सुनो मेरी बात,
वेक्टर सी कौन सा है, वेक्टर सी ए रहा है ना, ए बी, वेक्टर सी कितना है ए बी, या वेक्टर सी क्या है ओ सी है, कैसे आप कह सकते हो। और वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए कितना है वेक्टर ओ ए, तो वेक्टर सी की जगह रख दो ओ सी, यानी वेक्टर ओ सी और इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर, और ये क्या है वेक्टर ए, वेक्टर ए कौन सा है ये रहा वेक्टर ओ ए, तो वेक्टर ए ओ ए का मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस लगाते हैं तो वेक्टर हट जाता है, तो ये हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। और देखो हमें तो जीरो लानी है, तो जीरो आएगी कैसे, आप एक बात देख के बताओ, ये सम चतुर्भुज है ना, तो ओ सी ठीक है किसके बराबर है, ओ सी किसके बराबर है भाई, सम चतुर्भुज में आपको पता है एक बात, सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, जिसे आप पैरेललोग्राम कहते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है, जिसे आप रोम्बस कहते हैं, तो चारों भुजाएं समान हैं, तो OA और OC बराबर होंगे, तो इसका मतलब है OC किसके बराबर है OA के, तो OC स्क्वायर माइनस OA की जगह OC रख दो या OC की जगह OA रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा जीरो। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसी आ गई, जीरो, यानी वेक्टर OB डॉट वेक्टर AC जीरो आ गई, और जीरो ही तो लानी थी, तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, दोनों एक दूसरे कैसे हैं, कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को कैसे काटते हैं, राइट एंगल पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपकी थ्योरम थी, इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट थ्योरम लास्ट बचे इसे करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, और लास्ट थ्योरम है ये थ्योरम नंबर 11। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कह रही है कि यदि इफ जो डायगोनल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, यानी समांतर चतुर्भुज के यदि विकर्ण समान हैं, तो इफ डायगोनल्स यानी विकर्ण ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल्स कैसे हैं, आर इक्वल या आर सेम, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड, किस मेथड के द्वारा, वेक्टर मेथड यानी सदिश विधि के द्वारा आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इट इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या होगा, ये फिर पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा, यानी ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, फिर ये क्या है, आयत है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक रूप क्या होता है, आयत होता है, तो फिर वो समांतर चतुर्भुज में भी क्या है, आयत है, ठीक है, चलो समांतर चतुर्भुज कैसे कहते हैं, पैरेललोग्राम कैसे कहते हैं, जिसकी दो साइड पैरेलल हों, ठीक है, और इक्वल हों, कोई मतलब आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होनी चाहिए समांतर, और इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पैरेललोग्राम में एक विशेष प्रकार का जो पैरेललोग्राम है उसे रेक्टेंगल कहते हैं, समांतर चतुर्भुज में एक विशेष प्रकार का जो समांतर चतुर्भुज है उसे आयत कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आयत में भी आप देखो आमने सामने की भुजा समांतर हैं, पैरेलल हैं, रेक्टेंगल में है ना, और कैसी हैं, इक्वल हैं, देख लो चाहे, तो आपको सिद्ध ये करना है कि यदि डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स विकर्ण समांतर चतुर्भुज के समान हैं, इक्वल हैं, तो वो क्या होगी आकृति, ठीक है, वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, देखो रेक्टेंगल होगा, तो ये रेक्टेंगल है, चलो रेक्टेंगल है, आयत है, और इसके विकर्ण, विकर्ण मिला दो, दोनों कोनों को मिलाने वाला विकर्ण होता है, ठीक है जी, तो इसे O मान लो, A मान लो, B मान लो और C मान लो, वेक्टर A और ये वेक्टर C, जितना ये उतना ही ये हो जाएगा, जितना ये उतना ही ये हो जाएगा, ठीक है, O तो हो गया, इसे छोड़ो, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बीच वाले पॉइंट की, याद रख, समझ में आया, अब आपसे कहा कि दोनों विकर्ण कैसे हैं, बराबर हैं, तो आपको दे रखा है गिवन है आपके लिए कि उसके जो विकर्ण हैं डायगोनल्स इक्वल हैं, इसका मतलब OB जो है ना, OB वो आपको दे रखा है AC के बराबर, तो आपको सिद्ध ये करना है ना, प्रूव
टू प्रूव, जो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की विशेषता क्या है, आयत की विशेषता क्या है कि जो उसकी संगत भुजाएं होती हैं, यानी जो करेस्पोंडिंग एज्स होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई क्या हैं भुजाएं हैं, उनके बीच एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, आयत की विशेषता है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि जो करेस्पोंडिंग एज्स हैं, करेस्पोंडिंग साइड्स हैं, यानी संगत भुजाएं हैं जो एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, उनके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आप यदि ये सिद्ध कर दें कि इसके और इसके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये आकृति कैसी है, ये शेप क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है जी, तो वो तो देखने से लग रहा है 90 डिग्री है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। तो इसका मतलब है आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसी आ जाए, जीरो आ जाए। इसका मतलब किसकी, इसकी और इसकी, यानी वेक्टर ए की और वेक्टर सी की। तो आपको ये सिद्ध करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर सी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए, तो सिद्ध हो जाएगा कि जो आकृति है ये फिर क्या है, ये रेक्टेंगल है, आयत है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है। देखो जो जो दे रखा है लिख लो, मतलब जो जो डायग्राम से है, वेक्टर OA कितना है, वेक्टर A है, और वेक्टर OC कितना है, वेक्टर OC कितना है, वेक्टर OC है वेक्टर C, और वेक्टर OC वेक्टर AB के बराबर है। ठीक है जी, और वेक्टर OA वेक्टर CB के बराबर है। ठीक है जी, बस। और आपको क्या कहा, और OB और OC बराबर, OB और AC बराबर दे रखे हैं। तो चलो इसी की हेल्प लेते हैं, है ना। वी हैव, हमें कहा OB किसके बराबर है, AC के। दोनों तरफ का वर्क करो स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। OB मैंने कहा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्ट लिखो। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर है ना, वो उसके मॉडुलस के वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, और जब मॉडुलस लगाते हैं तो वेक्टर हट जाता है, ये तो बताया था। तो आप ओ बी स्क्वायर है, उसे आप वेक्टर ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी का स्क्वायर, और ये वेक्टर ए सी का स्क्वायर। ठीक है जी, वेक्टर ए सी का स्क्वायर। वेक्टर ओ बी देखो कितना है, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी तो पता नहीं है कुछ भी, चलो वेक्टर ओ बी ये है, तो निकाल लें भाई, जरूरत पड़ रही है तो निकाल लो। ठीक है जी, वेक्टर ओ बी आप इसे ऐसे कर लो, वेक्टर ओ बी निकाल ही लो, है ना। कैसे निकालोगे वेक्टर ओ बी को, यहाँ से निकालो राइट एंगल ट्राइंगल से, ये पता है ये पता है, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ओ बी निकालेंगे। तो एक काम करो, ये लिखने के बाद पहले वही लिखना, कहाँ तक दिख रहा है आपको। चलो तो मैं निकाल देता हूँ, एक काम करता हूँ इधर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करना सारा, फिर ये नोट करना जो मैं अब करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर ओ बी की और वेक्टर ए सी की, यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है ना। तो वेक्टर ओ बी और वेक्टर ए सी निकालेंगे। तो ध्यान देना, फ्रॉम किसके हेल्प लो, वेक्टर ट्राइंगल ला, वेक्टर ट्राइंगल ला, त्रिभुज यानी ट्राइंगल। ठीक है, देखो लगाओ इसमें, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में लगाओ। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको ओ बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मान लो आपको बी पर जाना है, तो आप या तो डायरेक्ट ओ से बी पर चले जाओ, ओ से बी पर चले जाओ वेक्टर ओ बी, या ओ से ए पर जाओ और फिर ए से बी पर जाओ। ठीक है, दो रास्ते हैं आपके पास वेक्टर ओ बी निकालना है। तो वेक्टर ओ बी कितना आ जाएगा, वेक्टर ओ ए कितना है वेक्टर ए, और वेक्टर ए बी कितना है वेक्टर सी। तो आपका वेक्टर ओ बी आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये आ गया। वेक्टर ओ बी बराबर कितना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। इसी प्रकार आप ए सी निकालने के लिए फिर वेक्टर ट्राइंगल लगाओ, कौन से ट्राइंगल में, ओ ए सी में, ओ इन ट्राइंगल ओ ए सी। देखो क्या आएगा, आपको मान लो सी पर जाना है, तो डायरेक्ट या तो आप ओ से कहाँ जा सकते हो, सी पर वेक्टर ओ सी, या एक रास्ता है पहले ओ से ए पर जाओ वेक्टर ओ ए, और प्लस वेक्टर ए सी, ए से फिर सी पर जाओ। वेक्टर ओ सी कितना है आपको पता है, वेक्टर ओ सी है वेक्टर सी। वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर ए। वेक्टर ए सी आपको निकालना है,
तो वेक्टर ए सी बराबर, तो वेक्टर ए सी आपका कितना आ गया, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, अब वेक्टर ओ बी की और वेक्टर ए सी की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो वेक्टर ओ बी की वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, इसका होल स्क्वायर। वेक्टर ए सी की वैल्यू है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, इसका होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और बराबर है वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो आप देखेंगे ये वाले कट जाएंगे, तो है ना, इसे इधर ले आओ तो ये हो जाएगा फोर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है, और बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के, फोर जीरो के अपॉन में पहुंच जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर जीरो। और आपको यही तो लाना था, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर सी एक दूसरे पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, यानी वेक्टर ओ ए, ठीक है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ओ सी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और आपको पता है, मैंने बताया आपको कि दो भुजाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो आकृति क्या हो जाती है, रेक्टेंगल हो जाती है, आयत हो जाती है। तो ये आकृति अब क्या हो जाएगी, आयत, ठीक है। तो आप हैंस करके लिख देना, है ना, हैंस दिस या दिस नहीं, हैंस इट इज रेक्टेंगल, ठीक है, हैंस प्रूव। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट थ्योरम थी, इसे हमने कर लिया है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल से आपकी वेक्टर प्रोडक्ट हम स्टार्ट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, अब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसे आप सदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ते रहिए साथ साथ, है ना, चीज़ों को साथ साथ बहुत अच्छे से तैयार करते चलो, है ना, लिख लिख के देखा करो, मैथ्स ही है एक तरीके से, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए अधिक से अधिक, ठीक है, और थ्योरम्स को भी अच्छे से तैयार करो, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नोट्स बनाते चलो अच्छे से वीडियो क्लास की हेल्प से ही, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है कि इसके भी नोट्स बनाए जाएँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसके नोट्स बनाने में, क्योंकि इसमें लैंग्वेज वगैरह तो है नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ उसी तरीके से रफली नोट करते चला करो और फिर बाद में फेयर नोट्स बना लिया करो, ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।